नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे आप डिजी लॉकर पे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, डिजी लॉकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट ऐप है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप अपना लाइसेंस इस पर करना चाहते हैं। अब देखिए, आप विदाउट लाइसेंस के भी चल सकते हैं गाड़ी से, क्योंकि अब डिजी लॉकर से आप कोई भी पेपर दिखाते हैं तो मान्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मान्य नहीं होगा। तो चलिए, इस तो डिजी लॉकर से ये चीज़ मान्य होगा। ठीक है, जैसे आप अपना लाइसेंस इस पे रखना चाहते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे लाइसेंस टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना क्या क्या रख सकते हैं: व्हीकल टैक्स रिसिप्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी पेपर, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर होता है, अपना व्हीकल का इंश्योरेंस भी चेक कर सक रख सकते हैं इस पर। ठीक है, तो जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो और जैसे मान लीजिए और आपको चाहिए कि आपका आरसी पेपर भी रहे, डाउनलोड हो जाए इसी में, और इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं भी दिखाएंगे तो ये मान्य होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखेंगे, जैसा कि आपको अगर गाड़ी का पेपर है आपके पास, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, चेचिस नंबर दिया होता है, वो दो चीज़ डाल के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गेट क्लिक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह आप अपना व्हीकल का इंश्योरेंस भी डाल सकते हैं इस पे। आपको कोई भी आप पेपर लेके मत चलिए, लेकिन ये डिजी लॉकर आपके पास होना चाहिए, होना चाहिए, ये हर जगह मान्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइसेंस अपना लेके चल सकते हैं और आरसी पर इसी में रख सकते हैं। मान लीजिए आपको आधार भी नहीं, अगर लेकर चलते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। आधार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आधार, यहाँ पे देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आधार पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओके कीजिएगा। आई प्रोवाइडेड माई कंटेंट टू कंसेंट टू डिजी लॉकर टू शेयर माई डिटेल्स विद यूजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा। इस तरह से आप अपना हर डॉक्यूमेंट, ये देखिए ये ओटीपी गया है मेरे नंबर पे, मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। इस तरह से आप करके डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है और कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी आपका पीएफ का पेपर होगा या फिर कोई भी सरकारी कागज़ हो तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लेके चलें। ये देखिए ओटीपी आ गया, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस भी आप कोई भी मतलब गवर्नमेंट हो तो उस पर डिजी लॉकर पे आप रख सकते हैं। ठीक है, ये मान्य होगा। तो मैंने कुछ पेपर इसमें डाउनलोड कर रखे हैं, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप इस सूट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड रजिस्टर, हाँ आप पैन कार्ड का भी मैं तो बता देता हूँ। आप यहाँ पैन लिखेंगे, पैन भी आ जाएगा। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो पैन वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, आप अपना यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, नेम एज जैसे कि पैन कार्ड पे आपका नाम होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो गेट डॉक्यूमेंट यानी कि डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे आपको जितना भी किए रहेंगे इशू डॉक्यूमेंट्स में आएगा। यहाँ पे आपका मैंने डाउनलोड कर रखा है आधार, DL, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। आधार दिखा देता हूँ, बाकी मैं नहीं दिखाने वाला ये, क्योंकि सेंसिटिव डाटा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो आधार को दिखा देता हूँ, ये है मेरा आधार। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है इंडियन रेलवेज़ एंड एयरपोर्ट एक्सेप्ट डिजिटल आधार थ्रू डिजी लॉकर एज वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, इस तरह सभी डॉक्यूमेंट पे आपके नीचे यहाँ लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा।